हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स में बताऊंगा। यहाँ पे डिफरेंस एडिशन एंड डिफरेंस सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली यूज करना मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जो ऊपर का होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे का होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश और हर, अंश बटे हर, न्यूमरेटर डिवाइड डेनोमिनेटर। ठीक है, ये एक रूल्स है। ठीक है, इसके बाद मैं जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है, 1 + 7 / 18 ऐसा कुछ लिखा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, बहुत बेसिक सी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 1 + 7 / 18 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड ले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, 1 × 18 + 7 / 18 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता तो 18 + 7 / 18 करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 25 / 18, जो कि आपका लॉन्ग मेथड जा रहा है। तो आप इसको ऐसा ना करके आप डायरेक्ट इसको कैसे लिखिए, देखिए आपको 7 / 18। ठीक है, आपको डायरेक्ट लिखना है। सेम इसी तरह ये कैसे करोगे आप, यहाँ पे ये क्या करोगे, 5, ठीक Please है, subscribe to my 3 / 6। channel and ठीक don't है, forget इसको जब मुझे to लिखना click हो तो 4 को on कैसे bell icon लिखेंगे, for 4 आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, 7 / 22। ठीक है, आप यहां से भी ये दूसरा जो क्वेश्चन है, 5 × 6 + 3 / 6 करोगे तो लंबा जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के कैसे लिख सकते हैं, 5 कैसे लिखेंगे, 5 9 / 16। ठीक है, आप कैसे क्या करेंगे, अगर आपको करना पड़ता तो आप इसको लॉन्ग मेथड में कैसे लिखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 5 × 16 + 9 / 16। जो इसको आप सॉल्व करते थे कितना आता है, 80 + 9 / 16 = 89 / 16, जो कि आपको ये लॉन्ग मेथड पड़ता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 6, ठीक है, 6 8 / 42। ठीक है, जब आप इसको लॉन्ग मेथड, क्योंकि आपको सॉल्व करना, तो मैं इजी तरीके से कुछ क्वेश्चन लूंगा, वहां पे आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। जैसे ये क्या है, प्लस के द्वारा दे रहा है, +2 यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे करेंगे। नेगेटिव के अगर वैल्यू दे रहा है तो कैसे करेंगे, नेगेटिव के लिए दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे एक्चुअली आता है मैक्सिमम फैक्टराइजेशन फॉर्म आता है और मिनिमम फैक्टराइजेशन फॉर्म आता है। इसका यूज हम जो है सिंप्लीफिकेशन में करते हैं, या फिर हम एलसीएम जब निकालने के लिए भी वहां पे इसका काफी यूज होता है। ये जो आप हर क्वेश्चन में मैक्सिमम आप जो भी क्वेश्चन लगाते हो वहां पे इसका यूजबल काफी है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं आपको नेगेटिव फॉर्म दिखाते हैं। ठीक है, मिनिमम फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे करेंगे, मिनिमम मतलब नेगेटिव अगर आता है तो उस केस में आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में देखिए, मैं आपको इजी तरीके में बता रहा हूँ, और आप जो है इसको डायरेक्ट सॉल्व ना, आप लॉन्ग मेथड में आपको बताता हूँ आप क्या करते हैं। आप इसको सॉल्व करने के लिए 1 - 7 / 1 - 7 / 11 ऐसे लिखा है, तो आप क्या करते हैं, इसको लॉन्ग मेथड लेते हैं, तो 11 × 1 - 7 / क्या करते हैं, यहाँ पे कितना आता, 11 आता। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 11 - 7 होता, 11 - 7 / 11 होता, तो इसका डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे 4 / 11 आता है। ये आपका लॉन्ग मेथड जा रहा है, तो आपको लॉन्ग मेथड ना करके आपको शॉर्ट मेथड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका न्यूमरेटर डिवाइड जो है आपका डेनोमेटर, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बटे हर है। ठीक है, अंश डिवाइड हर दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, इस सिंबल में हमको बनाना पड़ेगा, पहले 1 - 7 / 11 मुझे बनाना पड़ेगा, 1 - 7 / 11 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इस केस में इसका डिफरेंस निकालिएगा। ठीक है, हमने क्या बोला, न्यूमरेटर डिवाइड डेनोमेटर, इसमें क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे डायरेक्ट, हम लेते हैं यहाँ पे देखिए 1 - 7 / 11 है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसका डिफरेंस निकालिए, क्या आएगा डिफरेंस, 11 में कितना मैं ऐड कर दूं, 4 ऐड करूंगा तब 11 होगा, डिवाइड क्या करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा, तो 4 / 11। ठीक है, आप डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा था 4 / 11, आप जब किए थे क्या किए थे, 11 - 7 / क्या रहा था, 11 आ रहा था, तो आप डायरेक्ट कहते हैं 4 / 11 आ रहा था, जो कि आपका शॉर्ट में निकल रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना। ठीक है, ये तो आप फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह ये दिया हुआ है, देखिए 2 है, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं आप, 1 + 1 लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 2 - 19 / 37 लिखा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, -19 / 37। ठीक है, अब देखिए,
मैंने क्या बोला, अब इसको आप पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जैसे हमने बताया था, क्या करेंगे आप, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 1 - 19/37 को डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 1 - देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मैं 19 में क्या मैं ऐड कर दूंगा 37 आएगा, तो मुझे 18 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 18/37, ठीक है। तो आपको मैंने फर्स्ट मैक्सिमाइजेशन फैक्टराइजेशन फॉर्म में हमने सिखाया था आपको, इस फॉर्म में अगर लिखा है तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, 1 18/37, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है 5 - 7/13 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, 5 - 7/13 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 4 + 1 - 7/13, ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 4, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंस निकालेंगे आप, ठीक है, आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे प्लस क्या करेंगे आप, प्लस लिखेंगे, प्लस 6/13। आपके क्या क्या इसमें, क्या मैं इसमें ऐड कर दूं कि मुझे जो है 30 मिल जाए, तो मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा तो क्या होगा, 6/13, ठीक है, हमने डिफरेंस निकाला, ठीक है, कितनी के डिफरेंस है, कितनी के अंतर होगा इसमें कि इतना जाएगा, तो मुझे 6 का अंतर है तब तो 7 + 6 ऐड करेंगे तब तो यहाँ पे 13 आएगा, तो यहाँ पे 6 मुझे ऐड कर दिया। डायरेक्ट आप इसको फॉर्म लिख सकते हैं 4 6/13, ठीक है। इसी तरह आप फोर्थ नंबर कैसे करेंगे, देखिए फोर्थ नंबर कैसे कर सकते हैं आप, फोर्थ नंबर लगाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, देखिए 27 - 11/23 लिखा है, ऐसा है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 26 + 1 - 11/23 लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है पहले, तो हमें क्या बोला, इसका डिफरेंस निकालना, आपको डिफरेंस निकालना, तो आप क्या करेंगे, 26 + क्या करना है आपको, प्लस यहां पर डिफरेंस कितना निकलेगा, 12/23, ठीक है, 23। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 26 12/23, आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फाइव नंबर कैसे करेंगे, फाइव नंबर क्वेश्चन के लिए देखिए, फाइव नंबर के लिए देखिए, फाइव नंबर के क्या करेंगे आप, फाइव नंबर में आपका लिखा है 71 - 4/21। पांच नंबर क्वेश्चन करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 70 + 1 - 4/21। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, इसको इसको सॉल्व करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 70 प्लस, इसका डिफरेंस चेक करेंगे, क्या मैं 21 में कितना मैं इसका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा ना, तो मैं मुझे कितना लिखना पड़ेगा इसका, देखिए मुझे इसमें लिखना पड़ेगा 17/21, ठीक है। मैं जब 17 में 4 मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, 21 में मैं 4 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 17 आएगा, 17/21। तो डायरेक्ट आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको फर्स्ट जैसा आया था मैक्सिमाइजेशन फैक्टराइजेशन फॉर्म, हमने क्या बताया था आपको कि इस फॉर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 17/21, ठीक है, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आपको लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया, फाइव नंबर क्वेश्चन हो गया, सिक्स नंबर कैसे करेंगे, सिक्स नंबर दिया हुआ है आपको, देखिए सिक्स नंबर है 206 - 706/715, ठीक है, 706 में 715। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये सिक्स नंबर क्वेश्चन को आप ये लिख सकते हैं 205 + 1 - 706/715, ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या करना पड़ेगा, 205, ठीक है, डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, क्या मैं ऐड कर दूं 6 में, क्या मैं 6 में ऐड कर दूं कि 15 आ जाए, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 9 ऐड करना पड़ेगा ना, तो मैं डिफरेंस कितना करूंगा, 9/715, ठीक है, 715, ठीक है। इसको करने के बाद हम यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 205/9/715, ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन लेता हूं, 4-5 क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, देखिए आगे।
हेलो दोस्तों, हमने आपको रूल हमने समझा दिया था। देखिए, हम क्वेश्चन कुछ उठाते हैं, चार क्वेश्चन हम उठाते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहले जितना भी जो भी आगे का होगा, ये और ये, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, और जो डिवाइड में है, जो पी बाई क्यू रेशियो में है, उसको एक एक ब्रैकेट में करेंगे। हमने क्या बोला इसको कि 7-5 और प्लस, ठीक है, 6, इसको एक ब्रैकेट में किया हमने, प्लस इसको जो पी बाई क्यू फॉर्म होगा, ठीक है, उसको एक ब्रैकेट में करेंगे, 3/6 और प्लस 5/9, ये ऐसा दिया है। ठीक है, अब समझिए, ऐसा लिख दिए। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 7+6 13, ठीक है, 13-5 करेंगे, 13-5 करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, 8 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 8 आएगा। ठीक है, प्लस आप समझिए, इसका आप एलसीएम लेंगे, हमने कॉन्सेप्ट में बताया आपको कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, 3, 6, 9 करेंगे तो 18 आएगा एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँ तो 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप इसका 3, 6 और 9 कैल्शियम लेंगे तो 18 आएगा, 18 को 3 से डिवाइड करते 6 आएगा, माइनस 6 से डिवाइड करके 3 बार में जाएगा 18, ठीक है, तो 3 × 3 करें तो 9 आएगा, और प्लस 5 × 2, 2 से 9 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा यहाँ पे, 8 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 6+10 करें तो कितना आएगा, 16 माइनस 9 करें तो कितना आएगा, 7, कितना आएगा, 7/18, जिसको कैसे आप लिख सकते हैं, 8/7/18, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो जो टर्म आगे का होगा उसको एक ब्रैकेट में करेंगे, और जो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा उसको एक ब्रैकेट में करके उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हमने इसका तरीका आपको हम सिखाए थे, कॉन्सेप्ट हमने सिखाया वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 को उठाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आप सेम वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में हमने लिखा 12+18 और -3, ठीक है, एक ब्रैकेट, प्लस 1/4 प्लस 1/8 और -1/2, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, ये आसान इजी तरीका है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 30 आएगा, 30-3 करेंगे तो कितना है, 27 आएगा, प्लस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 आएगा, प्लस 1 और माइनस यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27, ठीक है, 27। अब यहाँ पे देखिए, 1+2 कितना होगा, 3 3-4 के तो -1 आएगा, -1/8 आएगा, -1/8 आएगा। तो हमने क्या बताया, क्या बताया था इस केस में, अगर माइनस के केस में अगर आता है तो देखिए, इसको मैं इधर करता हूं, ठीक है, इस चीज को उठाकर मैं यहां पर दिखाता हूं। देखिए क्या लिखा है, 26+1 कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, -1/8, ठीक है, इसको हमने बोला था सॉल्व करने के लिए, तो इसका मैंने क्या बोला था, डिफरेंट निकालिए, तो ये आ जाएगा 26+, ठीक है, 26+ इसका डिफरेंस, मुझे 1 में कितना मैं ऐड कर दूं कि 8 आ जाए, तो 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 7/8, ये आपका आंसर। तो ये आंसर लिखेंगे 26 7/8, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी आगे का टर्म होगा, उसको एक ब्रैकेट में आप करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको 42+16-, ठीक है, माइनस है तो -9 -3, इसको एक ब्रैकेट में किया, प्लस, ठीक है, प्लस किया, जो p बाई क्यू के फॉर्म में उसको एक ब्रैकेट में करेंगे तो 4/8+4/8 -6/4 -5/2, ऐसा कर दिया। अब समझिए, पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करें तो 9 -3 करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा, 12 इसमें से माइनस कर दिए 16 में से, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4 बचेगा, 4 इसमें ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 46 आ जाएगा। ठीक है, 46 प्लस, ध्यान दीजिएगा, अब इसका निकालिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, नीचे का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा आपको, देखिए यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस कीजिए 4 आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ कीजिए, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 × 2 12 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 5 है, तो यहाँ से 4 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना आने के बाद
इतना आने के बाद यहां पे क्या करेंगे 46 लिखेंगे प्लस, ठीक है प्लस, देखिए आप 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना का 8 आएगा, 8 में से आप कितना माइनस करेंगे, माइनस देखिए 8 में से आप जो है 8 में से माइनस कितना करेंगे आप 32 माइनस करेंगे, डिवाइड 8 करेंगे, ठीक है 32 आप डिवाइड करेंगे। देखिए जब इसको करेंगे आप तो इसको इस जगह देखिए यहां पे मैं लेता हूं क्वेश्चन को, मैं इसको उठा के यहां पे करता हूं, ठीक है जगह नहीं है, हो पाएगा यहां पे, देखिए देखिए 46 प्लस ठीक है 8 माइनस 32 करते हैं तो माइनस आएगा यहां पे, कितना आएगा दोस्तों, क्योंकि 8 में से माइनस 32 हो रहा है तो यहां पे कितना आएगा दोस्तों, यहां पे आएगा माइनस 24 बाय 8, ठीक है इसको इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है तो 8 3 24 ठीक है 3 आएगा तो क्या आएगा 46 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 43, जो कि आपका इजी आंसर आ गया, ये शॉर्ट में आ गया। ये अभी हो सकता था कि पी वाई क्यू में आंसर आता लेकिन पी वाई क्यू के फॉर्म आता है तो माइनस था यहाँ पे, हम इसको क्या करते हैं कि इसको तोड़ते हैं, सपोज अगर माइनस होता है यहाँ पे पी वाई क्यू, अगर सपोज नहीं करता तो वहां पे क्या करते हैं पी वाई क्यू फॉर्म में तोड़ते, तो यहाँ पे क्या आता 45 प्लस 1 करते हैं, ठीक है और 24 बाई समथिंग कुछ भी अगर वैल्यू देते तो उसको हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है तो ऐसा बहरहाल नहीं हुआ तो फिर देखते हैं। देखिए ये तो आपका तीन नंबर क्वेश्चन हो गया, हम चार नंबर लेते हैं, ठीक है देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहां पे लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लेते हैं, देखिए ये है 14 प्लस यहां पे कितना था 6, यहां कितना था 6 और माइनस यहां पे कितना था, चलिए यहां पे कितना था माइनस 12 ऐसा कुछ है, ठीक है इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, जो पी वाई क्यू को फॉर्म है उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो 9 में 6 और प्लस 5 बाई 9 और माइनस 4 बाई 6 ऐसा कुछ है, ठीक है अब समझिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये, यहां पे सॉल्व करते हैं 20 में से आप 12 माइनस करते 8 आएगा, ठीक है प्लस, ठीक है जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते 9 बाय 6 इसके एलसीएम लेंगे कितना आएगा यहां पे 18 आएगा, ठीक है जब इसको सॉल्व करेंगे यहां पे तो कितना आएगा यहां पे 9 3 27, ठीक है 9 3 27 प्लस 5, अब देखिए यहां पे कितना आएगा 10 आएगा, यहां पे कितना आएगा यहां पे 10, ठीक है माइनस इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहां पे 4 3 12 कितना आएगा दोस्तों 12 आ जाएगा, ठीक है ये आ गया आपका। अब देखिए 8 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 37 में से आप जो है 37 में से जो है आप जो है 12 माइनस कर देंगे, 12 क्या करेंगे माइनस करेंगे आप समझिए, देखिए 8 प्लस ठीक है 37 से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों यहां पे 5 आएगा, यहां पे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है कितना आएगा यहां पे 5 आएगा, यहां पे कितना आएगा 2 आएगा, मतलब यहां पे कितना बचेगा 18, तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं 8 सही 25/18 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है हमने चार क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टर्म आगे का है आप उसको एक ब्रैकेट में लिखिए, इसको मैं यहां पे करता हूं तो 12 प्लस 6 माइनस 3 और माइनस 7 ऐसा लिखा है प्लस, ठीक है जो भी आपका डिवाइड में है उसको आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1/5 प्लस 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/3 ऐसा लिख दिया हम, ठीक है अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 7 प्लस 3 करेंगे तो आपका नेगेटिव में माइनस 10 आएगा, ठीक है यहां पे करेंगे 12 प्लस 6 करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है 18 क्या है 18 माइनस 10 करेंगे, ठीक है इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है इसको जब सॉल्व करेंगे आप जब एलसीएम निकालेंगे तो यहां पे कितना आएगा एलसीएम, यहां पे आपका एलसीएम आएगा 13, यहां पे एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, सॉरी 30, ठीक है अब देखिए यहां पे जब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहां पे कितना जाएगा 6 आएगा, यहां पे कितना जाएगा, अभी एक और हमें इसी में एक ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है इसी क्वेश्चन को मैं एक अलग मेथड से दूंगा, ठीक है यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे कितना आएगा 15 आएगा, माइनस यहां पे कितना करेंगे तो यहां पे आएगा 5, 6 से डिवाइड करेंगे 30 में तो कितना आएगा माइनस 5 और यहां पे 3 से जब डिवाइड करेंगे 30 में तो आपका कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं सॉल्व करता हूं, ठीक है इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, देखिए इसके बाद आपका 8 आ जाएगा, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आएगा प्लस, ठीक है प्लस, अब देखिए
अब जो माइनस वाला उसको एक साइड जो ऐड कर दीजिए, जो प्लस वाला उसको एक साइड ऐड कर दिए, तो कितना का 15, अब माइनस 5 और माइनस 10 करके ये क्या होगा, आपस में ये वैल्यू कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा नीचे, क्या बचेगा 6/30 बचेगा, 6/30, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। इसको काटेंगे कितना बार आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है, 1/5 आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 8 + 1/5, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 8 + 1/5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे आप सॉल्व, देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं सॉल्व, देखिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां से समझिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे 18 - 10 इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इतना तो लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे, इसका मुझे पता है कि इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखिए सभी का जो नीचे का डेनोमिनेटर है, मतलब हर जो है नीचे का, ठीक है, नीचे का जो हर है उसको आपस में क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे पता है कि कितना है, 30 करना पड़ेगा, 30 मतलब इसका जो एलसीएम निकालेंगे कितना रहा है, 3030 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे 30 बनाने के लिए सभी का जो है डेनोमिनेटर जो है सभी का सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं यहां से 1/5 लिखा है फर्स्ट का क्वेश्चन का, तो इस मैटर में मैं बात करूंगा, तो इसमें मैं क्या कर दूं, 6 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तब तो 5 × 6 करेंगे तब तो 30 बनेगा प्लस, ठीक है, 1/2 है, 1/2 है, 30 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 से यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। माइनस 1/6 है, तो 6 से मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे 1/3 है, 1/3 है, तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, 8 प्लस, ठीक है, ऊपर क्या लिखना है, नीचे का तो सभी का क्या हो गया, नीचे का डेनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया, हर क्या आ गया यहां पे, सेम आ गया, तो आप लिखेंगे 30 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अब क्या बचेगा, 1 × 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा प्लस, 1 × 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और माइनस 5 आएगा, माइनस 10 आएगा, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए वही सेम मेथड, ऐसे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 8 + 6/30 इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/5 आ जाएगा, 8 + 1/5 इसको लिख देंगे, 8 = 1/5, ठीक है। तो ये कुछ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे जो आप ऐसे लगा सकते हैं, आपका जितना भी है मेथड इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, 3 क्वेश्चन का आप इसको कमेंट में सोल्यूशन बताएंगे उसका कितना होगा, ठीक है, उसको हम आपको यहाँ पे देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमने 3 दिया है, 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका जो है कमेंट में आपका आंसर बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट में लिखिएगा कि क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन में सेकेंड का आंसर, क्वेश्चन में थर्ड का आंसर, ये आप मुझे क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को हमने बताया आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उतना आपको लॉन्ग मेथड से नहीं करना, आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन का मैं एक बेसिक क्लास दिया हूँ, ठीक है, मैं इसका बेसिक क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद जो है मैं प्रॉपर जो है एक एक नंबर सिस्टम से मैं स्टार्ट करूंगा और एक सिलेबस के हिसाब से मैं पूरा इसका कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी हेल्प मिले, और जितनी भी दोस्त रेलवे SSC बैंक की तैयारी करें उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा, यहाँ पर जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें काफ़ी आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट जिससे 9th क्लास 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्प करेगा ये इस मेथड को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।